हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैब मेघना। तो आज मैं फाइनली एक हॉल वीडियो लेकर आई हूँ जो लाइक रिपब्लिक डे में जो डिस्काउंट्स चल रही थी तरह तरह के साइट में, नायका में, फिर शॉपर्स स्टॉप में, तो वहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग किया है एंड कुछ शॉपिंग मैंने पहले ही किया था। सो आई थॉट ऑफ यू नो शोइंग ऑल द आइटम्स टू यू इन दिस वीडियो ओनली। तो बहुत से शॉपिंग मैंने किया है, तो सबसे पहले दिखाती हूँ मैंने जो शॉपर्स स्टॉप से लिया है। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने शॉपर्स स्टॉप से लिया है वो है ये मैक की ये हाइलाइटर एंड द नेम ऑफ दिस हाइलाइटर इज़ विस्पर ऑफ गिल्ट। एकदम नया हाइलाइटर, बहुत सुंदर सा हाइलाइटर है, सबके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से ये है एंड मैंने इसे ऑलरेडी 2-3 बार यूज़ भी कर लिया है। लाइक ब्यूटीफुल गोल्डनिश शैम्पनी एक कलर है। तो नेक्स्ट टू थिंग्स ये लिमिटेड एडिशंस है जो 25% डिस्काउंट्स मिलके मुझे मिला। हाइलाइटर के ऊपर कुछ डिस्काउंट नहीं था लेकिन इन दोनों पे मुझे डिस्काउंट मिली। एंड ये है ब्लश, एक्चुअली यहाँ पे 2 ब्लश शेड आपको मिलने वाली है, एक पिंक है एंड एक लाइक पीच टोन है, बहुत ही खूबसूरत सा है। एंड सबसे अच्छी चीज़ है तो इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल सी पैकेजिंग है इसकी। तो इस वजह से मैंने ये लाइक ब्लश, वैसे भी मैक का कोई ब्लशर मेरे पास नहीं था एंड इसकी वजह से मैंने ये लिया है। साथ में ये रोज़ गिल्डेड आई शेडो पैलेट, ये भी एक लिमिटेड एडिशन का ही था, इसके ऊपर 25% डिस्काउंट देख के मैंने लिया है। इसके ऊपर ब्यूटीफुल सी मिरर भी मिलती है एंड ये सारी शेड्स है, लाइक दिस ग्रीन शेड बहुत ब्यूटीफुल सा शेड है। ये तीनों चीज़ मैंने शॉपर्स स्टॉप से लिया है। शॉपर्स स्टॉप में मैक का अभी भी सेल चल रही है, सो यू ऑल कैन सी। कुछ ड्रग स्टोर आइटम्स मैंने इस बार नायका से लिया है अपार्ट फ्रॉम इधर डिलक्स आइटम्स। द फर्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी नेसेसरी दैट इज़ द माइसलर वाटर एंड दिस इज़ फ्रॉम गार्नियर। के साथ मैंने लिया है कलरबार की ऑन द गो मेकअप रिमूवर वाइप्स, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। लक्स आइटम से जो मैंने लिया है वो है मेरी ल्यूमिनाइजर एंड ये ट्रैवल साइज मिनी साइज़ है, ये दी बाम कंपनी की है एंड ये मैंने एक्चुअली सेल शुरू होने से पहले ही लिया था, सो नो ऑफर। लेकिन दिस इज़ एन आइकॉनिक हाइलाइटर, तो मेरे पास नहीं था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे ले लूँ। एंड शेड इज़ सो गॉर्जियस एंड सो फ्लैटरिंग, लाइक बहुत स्मूथ है ये वाला, है इतना खूबसूरत सा हाइलाइटर है। आई थिंक गर्ल्स यू शुड गो एंड गेट दिस वन। नेक्स्ट एल्फ कॉस्मेटिक्स से मैंने बहुत कुछ लिया है। ऑलरेडी यू गाइज हैव सीन मी द मेकअप डूइंग द मेकअप, सो एल्फ कॉस्मेटिक्स की। एंड जिसने मेकअप ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो मैं उनसे कहूँगी जाकर देख लो, हो सकता है कि आप प्लान कर रहे हो एल्फ कॉस्मेटिक्स के लेना एंड यू डोंट इवन नो व्हाट टू टेक, व्हाट नॉट टू टेक, व्हाट विल वर्क फॉर यू, व्हाट माइट नॉट वर्क फॉर यू। सो या आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो ये मेकअप ब्रश सेट एंड ओवरऑल मैंने इसे यूज़ किया है कल, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा इसकी क्वालिटी एंड सुपर डुपर हैप्पी टू हैव दिस ब्रश फ्रॉम एल्फ। आप लोग भी आई शेडो ब्रश ट्राई करके देख सकते हो। फिर मैंने एल्फ का दोनों ही ब्रॉन्जर लिया है, वन इज़ गोल्डन वन इज़ वॉर्म, सो डेफिनेटली 15-20% ऑफर कौन मिस करता है। नया ब्रांड लॉन्च हुआ है, ट्राई भी करना चाहती थी एंड सिर्फ नायका में ही मिलने वाली है। सो दिस इज़ द ब्रॉन्जर एंड दिस वन इज़ the golden one, another one which is the that's a warm color and this is the golden one. It's the golden one you can use as a blush, this use as you can use as a highlighter, फिर ये दोनों मिला के bronzer। तो इसकी पैकेजिंग भी इतना अच्छा है, लाइक भारी है, यू नो ऐसा फ्लिम्जी टाइप का पैकेजिंग बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैंने एल्फ का ये हाइलाइटर लिया है, ये भी सेल शुरू होने से पहले मैंने लिया था बट इसके ऊपर भी मुझे 15% की डिस्काउंट मिली थी। And this is white gold, this highlighter. It's a beautiful highlighter. Yeah, look at the shade. It's white gold. लेकिन ये white बिल्कुल भी नहीं है, इसमें white and golden mix है। कुछ हद तक मुझे लगता है थोड़ा सा पीची जैसा भी लगता है। And yeah, I will just कहाँ पे करूँ, यहाँ पे करती हूँ। Okay. So आप देख सकते हो तीनों का, देखो ये MAC का है, ये balm का है and this is the elf one. नेक्स्ट मैंने एल्फ कॉस्मेटिक्स से लिया है उसका वाव ब्राउ एंड वॉल्यूमनाइजिंग फाइबर जेल एंड दिस इज इन द शेड ब्रूनेट एंड Look at how tiny this is, but this is again very travel friendly. इसके अलावा ये है एल्फ की कंसीलर एंड दिस इज मीडियम न्यूट्रल, मेरे स्किन टोन के लिए परफेक्ट है। शेड मैचिंग मैंने किया है, मैंने दूसरे बाहर के वीडियोस देख के मैंने शेड मैचिंग किया है। अगर आपकी NC 25 है तो आप ये वाली शेड ले सकते हो, मीडियम न्यूट्रल। So yes, this is again a very good product from Elf. I will highly recommend you guys. फिर मैंने Elf से ये लिपस्टिक्स उठाया है, सीरियसली सैटिन लिपस्टिक्स, क्योंकि मुझे इन लिपस्टिक्स, एक लिपस्टिक मैंने जो लिया था जो शुगर प्लम्प, आई थिंक दैट्स द शेड, यस, एंड वो इतना अच्छा लगा, फिर मैंने सोचा कि मुझे बाकी लिपस्टिक लेना है। 3 लिपस्टिक्स तो मुझे मैंने लिया है 15% डिस्काउंट में एंड एक मुझे फ्री में मिला है। And like I have this shade, मैं कह देती हूँ, this is the shade taffy. Oh my god, such a beautiful pink shade. हाथ में एक swatch देकर आपको दिखाती हूँ, देखो कितना beautiful सा है ना shade ये। And the next one is cider. ये वाली एक rusty brown, orangey tone का lipstick है, इस type का, देखो बहुत beautiful सा है। बाहर के जो videos में देख रही थी लोग वावा कह रहे थे and look at the shade, like अ न्यूड पीची अंडरटोन ब्राउन कह सकते हो, सुंदर सा शेड है। वो साइडर से थोड़ा सा लाइट है। ये है नेक्टर एंड ये देखो ये भी पीच अंडरटोन है। मैं साइडर के यहाँ साइडर है ना, मैं उसके सामने लगाती हूँ। इसमें ब्राउनिश, साइडर में ब्राउनिश ज़्यादा है एंड नेक्टर में पीच टोन ज़्यादा है। एक शेड जो मुझे फ्री में मिला है वो है चेरी, ये एक रेड कलर है एंड आई वॉज हैप्पी विद द शेड। वैसे लाल रंग के शेड्स मेरे पास बहुत से हैं एंड लुक एट द शेड, ये तो इवनिंग पार्टीज़ के लिए परफेक्ट है। टैफी के पास में लगाती हूँ, एकदम ब्लू टोन जो रेड होते हैं ना, ब्लू टोन रेड वो, एंड इससे ना आप सिंदूर भी बना सकते हो, ये वैसा कलर है। सो हुडा ब्यूटी से कुछ चीज़ें लिया है इस बार। हुडा ब्यूटी की ये जो नया लॉन्च हुआ था तब मेरा मन था ये लेना, बट सम हाउ यू नो बजट ख़त्म हो गया, तो इस बार मैंने लिया है। एंड ये एक गिफ्ट बॉक्स है जहाँ पे आपको हुडा ब्यूटी की 2 चीज़ें आपको एक्चुअली मिल रही थी, अगेन ऑन अ डिस्काउंट, एंड इसके साथ 2 लिपस्टिक्स भी फ्री मिल रही थी। सो आई वाज लाइक बेस्ट ऑफर है। तो एक है उसका जो हुडा ब्यूटी का मस्कारा एंड दिस इज़ लेजिट लैशेस। इसका रिव्यू आप लोगों को अगर देखना है मैं ज़रूर करूँगी। एक में है कर्ल एंड लेंथ एंड दूसरा में आपको वॉल्यूम मिलेगी। एंड नेक्स्ट है उसका ये लाइनर। तो ये दोनों चीज़ें मैंने हुडा ब्यूटी से लिया है। और एक चीज़ मैंने हुडा ब्यूटी से लिया है, इसमें 15% की डिस्काउंट चल रही थी, वो है हुडा ब्यूटी की इजी बेक लूज पाउडर एंड ये जो शेड है कपकेक, एंड ये जैसे कि आप देख सकते इस तरह से खुलता है, ये शेड है ओके। लेकिन इसे भी मैंने एक दिन ऑलरेडी यूज़ किया है एंड बहुत सिल्की स्मूथ है। तो हुडा की जो है उसके साथ 2 लिपस्टिक फ्री में मिल रही थी। एक तो लिपस्टिक की शेड पहले भी मुझे मिला था, वो शिखा, पता नहीं यही शेड वो लोग क्यों लाइक फ्री में दे रहे हैं, आगे चल के लोग नहीं खरीदेंगे फिर, लाइक दे शुड चेंज द शेड। तो ये दूसरा वाला मेरे पास आ गया एंड और एक उन लोगों ने फ्री में दिया एंड दिस इज़ द शेड आइकॉन, ब्यूटिफुल शेड, न्यूड कलर है। ये वाली शेड तो अच्छी है एंड ये मिनी वाला है, कहाँ पर लगाओ, ओके ये देखो। ओ एल्फ कॉस्मेटिक्स से मैंने लिप लैकर लिया है, तो ये वाला है लिप लैकर फैंटेसी जिसका शेड का नाम है एंड ये लिप लैकर बहुत बढ़िया है। लाइक मेरे पास कोई ग्लॉस या लिप लैकर उस तरह से नहीं है, सिर्फ लैक्मी का एक है एंड शुगर कॉस्मेटिक्स का है, बट आई डोंट यूज़ मच क्योंकि मुझे लिप ग्लॉस या उस तरह से पसंद नहीं है। वो शाइन तो दे देता है लेकिन बहुत चिपचिपा लगता है, लेकिन ये वाली चीज़ ऐसा नहीं है। तो ये लिप लैकर ना बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, लाइक शाइन भी देगी एंड चिपचिपा भी नहीं होगी। सो दिस इज़ द शेड फैंटेसी। तो ये लास्ट डब्बा में है कुछ मैक के प्रोडक्ट्स है एंड एस्टी लॉडर, मैक एंड एस्टी लॉडर की कुछ चीज़ें लिया है। मैक का ऑफ़र था इस बार की, एक ऑफ़र चल रही थी, वो एक दिन के लिए ऑफ़र आया था कि अगर आप ले रहे हो 3 चीज़ें मैक के तो 3 चीज़ें आपको फ्री में मिलेगी। एंड या व्हाट आई पिक्ड फ्रॉम मैक फर्स्ट, मैं वो आपको दिखाना चाहती हूँ। एक तो है मैक की ये लिपस्टिक जिसका शेड है 646, ये है माराकेश, इट्स ब्यूटिफुल, लाइक यहाँ पे मैं स्वॉच करती हूँ आप लोगों के लिए, लुक एट द शेड, सच अ गॉर्जियस कलर। इसके अलावा मैंने जो चीज़ लिया है, मेरे पास कंसीलर नहीं था मैक का, सो मैंने कंसीलर लिया है एंड दिस इज स्टूडियो फिनिश कंसीलर एंड सारे के सारे कंसीलर्स ना आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, बस यही कंसीलर रह गया था एंड दिस इज NC25 जो मैंने लिया है, ये वाली है NC25 लाइक देखो ब्लेंड कर रही हूँ तो मेरे स्किन से ब्लेंड भी हो रही है। ओके सो दिस इज NC25। और एक चीज़ मैंने लिया है वो है आईब्राउ पेंसिल दैट इज इन द शेड स्पाइक्ड एंड ये भी मेरे पास मैक का नहीं था एंड मैं मैक का कलेक्शन कंप्लीट कर रही हूँ। आई वॉन्ट टू हैव एवरीथिंग फ्रॉम मैक, तो ये वाले आईब्राउ पेंसिल मैंने लिया है स्पाइक, ये है दिस वन इज द वन। तीन चीज़ें मैंने लिया जो मेरे पास नहीं था एंड तीन चीज़ें मैंने मैक की फ्री में मिली एंड और एक चीज़ मुझे मैक से फ्री मिली दैट इज़ बिकॉज ऑफ नायका, क्योंकि नायका में बहुत से पॉइंट्स एड ऑन्स हो गए थे तो नायका ने मुझे भी एक फ्री दिया है चीज़। एक चीज़ मैंने मैक से जो फ्री लिया है वो है ये लाइनर, क्योंकि अगेन मैक का कोई लाइनर मेरे पास नहीं था। ये है क्रेयॉन एंड दिस इज़ क्वाइट स्मूथ, ये ब्लैक कलर है तो ये मैक का लाइनर मैंने लिया। ग्लॉस मैंने फ्री में लिया, कलर तो अच्छा है, देख सकते हो कलर अच्छा है, मॉविट काइंड ऑफ शेड है। दो लिपस्टिक फ्री में मिला तो ये है लिपस्टिक शेड मोका जो मेरे पास नहीं है मैक का। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस शेड, ये देखो मोका वाला शेड, बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड है, न्यूड शेड है। तो मैं फिर नायका ने कहा एक लिपस्टिक नायका की तरफ से भी फ्री में मिल रही है एंड मैट लिक्विड लिप कलर एंड सच अ ब्यूटीफुल गॉर्जियस शेड एंड कुछ 5000 मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ बट वर्थ द इन्वेस्टमेंट। लुक एट द शेड हाउ गॉर्जियस दिस इज, रानी कलर जो कहते हैं ना, रानी कलर वो वाली कलर है, बहुत सुंदर सा शेड मुझे लगा। मैंने नायका का जो नया लॉन्च हुआ है मस्कारा मैंने वो लिया है, मैंने ये वाला लिया है सुपर साइजर वाटरप्रूफ वॉल्यूमनाइजिंग मस्कारा, ये येलो वाला मैंने लिया है। इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, मैं इसको यूज़ करके आप लोगों के लिए रिव्यू वीडियो बनाने वाली हूँ। अब आते हैं एस्टी लॉडर की, तो एस्टी लॉडर में चल रही थी 5 चीज़ें आपको फ्री में मिलेगी इफ़ यू आर बाइंग फॉर 3000 या 3500 तक। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एस्टी लॉडर की कुछ चीज़ें ले लूँ एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑर्डर्ड इज दिस एस्टी लॉडर, ये आइकॉनिक एडवांस नाइट रिपेयर, ये छोटा वाला मिनी साइज मैंने लिया है। इसको बहुत से लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, ओके देखती हूँ। फिर मैंने एस्टी लॉडर की ये मिनी फाउंडेशन लिया है, लाइक ये छोटा सा देख सकते हो, छोटा सा है एंड ये बॉटल प्लास्टिक का है, ये कांच का नहीं है, जैसे लगता है कांच का। नो पंप, सो दे विल बी अ वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट, सो एटलीस्ट स्पैटूला दे कैन मेक अ स्पैटूला। आई थिंक वो 2 प्रोडक्ट्स हो गए। द थर्ड प्रोडक्ट विच आई ऑर्डर्ड एक्चुअली इज दिस वन, ये एक मिनी लिपस्टिक है एस्टी लॉडर की, इसका रिव्यू मैं बनाऊंगी। दिस इज एनवियस एंड ये एक मिनी लिपस्टिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड है। मैं आप लोगों को इसका वीडियो बना के दिखाऊंगी, मैं स्वॉच नहीं कर रही हूँ बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल क्योंकि ये अवेलेबल है और नायका। लुक एट दिस लिपस्टिक। इसके साथ मुझे ये बैग में चीज़ें मिली है एस्टी लॉडर की, नाइस, दिस बैग इज़ वेरी गुड। बैग में जो मिला है ये एस्टी लॉडर की एडवांस नाइट रिपेयर की एक सैम्पल मैंने ख़रीदा एंड बैग में भी एक था। सो फिर ये एस्टी लॉडर की मेकअप रिमूवर, फिर मुझे मिली एस्टी लॉडर के एडवांस नाइट रिपेयर आइज सुपरचार्ज कम्प्लेक्स, ये वाली क्रीम, ये सारे सैम्पल साइज है। काफ़ी क्यूट सा है, देख सकते हो कोई स्मेल नहीं है इस तरह से। ये 4 और 5। ये है एस्टी लॉडर की मस्कारा एंड मस्कारा को देख के मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि इसका वॉन का साइज़ देखो, मेरे आँखों के साइज़ से ज़्यादा बड़ा है इसका वॉन का साइज़, पता नहीं कैसा मस्कारा होगा लेकिन ठीक है देखती हूँ। एंड ये है एस्टी लॉडर की एक पेंसिल, आई पेंसिल एंड 01 ऑनिक्स डबल वेयर, काला रंग है एंड या ट्विस्टिंग करके तो नहीं, इसको छिलना पड़ेगा। इतना बड़ा कंपनी है लेकिन ऐसे आई पेंसिल्स बना रहे। कुछ फ्री प्रोडक्ट्स मुझे नायका ने भेजा एंड दैट इज एस्टे लॉडर के साथ नहीं, एक्चुअली पिंक एडिशन बॉक्स था ना, इस वजह से नायका ने मुझे कुछ सैम्पल चीज़ें दिया है। ये है एवेडा, ये कंपनी इस तरह से ही प्रोनाउंस करते कि नहीं मुझे पता नहीं, आप लोग बता देना ओके। चेरी आलमंड सॉफ्टनिंग शैम्पू एंड कंडीशनर, ये दो सैम्पल चीज़ें मिली है, ट्रैवल साइज अच्छा है ओके। एंड शिवाल्सो से शायद ऐसे प्रोनाउंस करते पता नहीं, फर्स्ट केयर एक्टिवेटिंग सीरम, ये एक सैम्पल मिला है। सो ओवरऑल ये मेरी नायका की हॉल थी। ओवरऑल दिस इज़ माई वीडियो, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक दे देना, अगर पसंद नहीं आया है तो क्या करूँगी, कुछ नहीं कर सकती हूँ। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब किया है थैंक्स टू यू, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड येस, इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है एंड परचेसिंग लिंक, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई विल मीट यू गाइज अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो, सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।